ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि 18 साल की उम्र बहुत बड़ी उम्र तो नहीं होती, से बच्चों को कोई समझ नहीं होती है उनके साथ क्या हो रहा है, लेकिन 21 साल में थोड़ी मैच्योरिटी आती है तो वो अपना अच्छा बुरा सोच सकते हैं। तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा सरकार का ये फैसला है कि लड़कियों की शादी की उम्र जो बढ़ा दी गई है 21 साल की है। कुछ पार्टी के नेता होते हैं समाजवादी के, जैसे वो बोल रहे हैं कि एज बढ़ा दी है आवारगी बढ़ेगी, इस तरह का बयान आ रहा है। ये देखिए ये संकुचित मानसिकता की बात है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते हैं, लेकिन हम लोग एक महिला होने के नाते हम लोग इस चीज़ को भली भांति समझते हैं। एक बेटी की माँ होने के बाद ये हम लोग अच्छी से पता है कि हमारी बेटी के लिए किस उम्र में क्या ज़रूरत है। तो अभी उसकी पढ़ने लिखने की उम्र है, तो इसलिए इसको खूब पढ़ाइए लिखाइए और इस लायक बनाइए कि उसकी शादी में अड़चन आएगी नहीं, अपने आप उसकी शादी अच्छे से। आप बताइए आप क्या कहेंगे। एक लड़की के मन में ये होता है कि हम मेरा ड्रीम है जो बनना है उसको ना दाबा जाए, शादी करके ये दब जाती है, जो लड़की की एम होती है बनने का वो वहीं पर दब जाती है, इसलिए इसको ना दाबा जाए, इसलिए सरकार ने बहुत ही अच्छा किया। थैंक यू। क्या क्या फ़ायदे होंगे मैडम इससे, जो एज बढ़ा दी है? सर इसका बहुत बड़ा फ़ायदा तो ये होगा कि बच्चों के जो सपने हैं वो पूरे होंगे और उनको अपनी लाइफ में जो बनना है वो बन करके दिखाएंगे। और हमें लगता है कि हमारे भारत में अभी भी बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी ये मानसिकता है कि वो अपने बच्चों की शादी बहुत जल्दी करना चाहते हैं, तो इससे हमारा समाज काफ़ी पीछे जाता है। तो ये जो उम्र की सीमा बढ़ाई गई है इससे काफ़ी फ़ायदा होगा, बच्चियों का जो भविष्य है वो आर्थिक रूप से अपने आप को मजबूत कर पाएंगी। बहुत अच्छा किया गया। ये बहुत अच्छा किया गया, इससे बच्चे लड़कियां जो हैं एक तो उनको पढ़ने का और मौका मिलेगा, क्योंकि उनके मन में भी ये आ जाता है कि अब तो हम 18 साल के हो गए, अब हमारी शादी जल्दी हो जाएगी। लेकिन ऐसा कानून आने पे अब उनको भी होगा कि अब हम पढ़ सकते हैं, अपने मन की ज़िंदगी जी सकते हैं और पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं। और अपने पैर पर खड़े होना बहुत बड़ी बात है, अगर वो पढ़ लिख लेंगी तो उनको अच्छा लड़का भी मिलेगा, सब कुछ अच्छा होगा और वो अपने मन की ज़िंदगी पहली बार जी सकती है, उनको एक स्वतंत्रता मिल जाएगी, इसलिए बहुत अच्छी बात है कि ऐसा हुआ है। इसका विरोध करने वाले यह भी कह रहे हैं कि सरकार क्यों डिसाइड कर रही है कि कब शादी करें, परिवार को डिसाइड करने दिया जाए, विरोध वाले जो कह रहे हैं। ऐसी कुछ बात नहीं है, सरकार है तो वो सब कुछ डिसाइड करेगी और अच्छी बात है, क्योंकि अब कुछ लोगों का काम है कहना, लोग का काम है कहना, वो कहते ही रहेंगे हमेशा, तो सरकार वही करिए जो हमारे देश के लिए अच्छा है। अगर लड़कियाँ शिक्षित होंगी तो एक परिवार शिक्षित होगा, कहा जाता है कि एक लड़की अगर शिक्षित होती है तो उसका परिवार शिक्षित होगा और लड़कियाँ इस तरह उनको पढ़ने का मौका भी मिलेगा और वो जो चाहेंगी वो कर सकती हैं, इसलिए मेरे हिसाब से तो ये बहुत अच्छा है। अब बाकी जो कह रहे हैं तो उनका काम कहना है, उनको कहने दीजिए। धन्यवाद। सांसद बोलने की आवारगी बढ़ेगी इससे, ऐसा कुछ नहीं है, आवारगी कुछ नहीं बनेगी, बल्कि लड़कियां शिक्षित होंगी, अच्छा लगेगा सबको भी और ज़्यादातर हमारा देश भी आगे बढ़ेगा इस कदम से। बहुत अच्छा डिसीजन लिया है सरकार ने कि 21 ईयर्स का कर दिया गया है और अगर लड़कियां शिक्षित होंगी तो अपने सेल्फ डिपेंडेंट हो सकती हैं, कहीं भी जा सकती हैं, क्योंकि लड़कियों को रोक के रखा जाता है कि यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, ये मत करो, वो मत करो, तो लड़कियां जब मैच्योर हो जाएंगी, 21 मैच्योर, 18 तो मैच्योर की एज होती ही है, 21 भी और मैच्योर हो जाएंगी, तो वो लोग अपने से अपना हर डिसीज़न ले सकती हैं कि मतलब वो लोग क्या करना चाहती हैं, क्या कैसे करना चाहती हैं, सही गलत की पहचान उन लोगों को हो जाती है। 21 ही ठीक है कि और भी बढ़ा सकते हैं? और भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन 21 इनफ है। अच्छा मैम ये भी बोल रहे हैं कि जैसे 18 साल एक एज है बालिग होने की, तो 18 साल में लोग वोट देते हैं, 18 साल में कुछ भी रजिस्ट्रेशन वगैरह, तो 21 शादी का क्यों? मेरे ख्याल से ना जैसे टीन लगा होता है, तो 13 to 19 ऐसे ही टीन एज है, तो मेरे ख्याल से जो मेच्योरिटी है शायद वो 20 ईयर के बाद आती है, तो जब एक दिशा पता है तो उस दिशा पर लड़की खुद चल सकती है, उसके पहले हमें लगता है उसको सही गलत का अंदाज़ा नहीं है। अगर एक वो सही जगह पे खड़ी है तो वो, अगर दिशा सही है तो वो ज़रूर अपनी मंजिल पे पहुँचेगी। ऐसे जल्दी शादी होने से क्या होता है कि बच्चों को समझ में ही नहीं आ रहा है कि अभी मतलब मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, और मेरे ख्याल से 20 ईयर के बाद उससे मैच्योरिटी आती है, तो अपनी एक दिशा निर्धारित करते हुए एक अच्छी दिशा की ओर जाती है, अच्छी मंजिल की ओर जाती है, उससे एक स्वस्थ समाज और सभ्यता और संस्कृति सारी चीज़ें हमें लगता है कि और अच्छे से वो अपने समझ सकती है और उससे पूरा समाज के साथ साथ
राज्य के साथ साथ पूरे देश की उन्नति होगी, और देश की जब उन्नति होगी तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का स्थान और ऊपर जाएगा। मतलब इसमें लोग यह भी कर रहे हैं कि मतलब सरकार जो है डिसाइड कर रही है इसमें, मतलब सरकार बाध्य कर रही है कि किसी को 20 साल में करना है तो सरकार इसमें क्यों आ रही बीच में? नहीं सर, सरकार का काम है सही बात बताना, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसको माने ना माने, लेकिन हमारा फ़र्ज है। आज हमारा, हम एक शिक्षित समाज में रहते हैं तो हमको पता है कि एक शिक्षा के द्वारा ही आगे जागरूकता पैदा की जा सकती है, एक वो शिक्षा ही है जो हमको आगे और आगे की ओर ले जा रही है। तो इस चीज़ को समझना चाहिए और समाज को समझने की ज़रूरत है, और अधिकतर माँ बाप समझ रहे हैं, चंद लोग छोटे मतलब हैं जो इस चीज़ का विरोध करते, क्योंकि ये सिर्फ वोट की राजनीति, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। आप बताइए सर, आप एक कन्या के पिता होंगे, सरकार ने एक नियम अभी लाई है कि जो बेटियों की शादी की उम्र है 18 से बढ़ा के 21 कर दी है, कि मतलब 21 से पहले ब्याह नहीं कर सकते हैं, क्या कहेंगे इस पर? सरकार का सुझाव देना अच्छी बात है और समाज को यह आजादी देनी चाहिए, यह समाज की छांव परी छोड़ देनी चाहिए। हमारा सरकार का कर्तव्य अच्छी बात को बताना और समाज का कर्तव्य है कि उसको स्वीकार करना। मान लीजिए किसी हिंदू का बाप, किसी हिंदू लड़की का बाप मुस्लिम मोहल्ले में रहता है और जिहादी उसके पीछे पड़ गए, तो मुस्लिम तो हिंदू बाप क्या करेगा? वो जल्दी कोशिश करेगा कि हम 19 वर्ष की अवस्था में इसकी शादी। तो ये भी तो इसमें हो सकता है कि लड़का, जैसे लड़की 18 साल की है और जिहादी उसके पीछे पड़ गया, शादी कर लिया, लड़की बोल दी हम बालिग हैं, तो लड़की की बात मनाएगी, लेकिन 21 की है तो समाज में बहुलता है, विविधता है। और आप बहुत बहुत बड़ी बड़ी शिक्षा की बात कर रही हैं, आज की शिक्षा बॉलीवुड आधारित शिक्षा है, यह शिक्षा पांचाली के जमाने का दमयंती और सावित्री की परंपरा का शिक्षा नहीं है। तो आप शिक्षा देकर उनको बहुत बड़ा स्तर के, पहले के ज़माने में भी जीजा माता होती थी, झांसी की रानी होती, क्या जीजा माता का शादी क्या 21 वर्ष के पहले ही हुआ था और उन्होंने छत्रपति शिवाजी को भी पैदा किया था? ऐसा बात नहीं है। तो इसलिए यह समाज पर ही छोड़ देना चाहिए। और जब शिक्षा व्यवस्था की बात करते हैं तो यह जो 21वीं सदी की जो पुस्तकीय शिक्षा है, रटन के विद्या, यह भारतीय सनातन की शिक्षा नहीं है। हाँ, आप भारतीय सनातन परंपरा की शिक्षा दीजिए, बड़े बड़े यूनिवर्सिटियों में नल दमयंती का पाठ पढ़ाइए, शोध कराइए, तो यह लागू कीजिए। आप एक तरफ बॉलीवुड की शिक्षा दे रहे हैं और एक तरफ शिक्षा की बहुत बड़ी बात कर रहे हैं, शिक्षा की गुणवत्ता की बात कर रहे हैं। आपकी शिक्षा की गुणवत्ता क्या है? तो जो पढ़ा लिखा पंडित सुखराम है उसके बेड के नीचे से 4 करोड़ रुपया कैश मिल रहा है, और जो जो एकदम निरक्षर है वो एकदम बलिदानी की दे रहा है मातृभूमि के लिए। यही आपकी शिक्षा व्यवस्था है। शिक्षा व्यवस्था, हाँ, पहले शिक्षा व्यवस्था सुधार दीजिए, आमूलचूल परिवर्तन कर दीजिए, फिर यह 21 साल का नियम है थोप दीजिए जबरदस्ती, सब समाज स्वीकार करेगा। हम निष्पक्ष भाव से अवलोकन के साथ में बात कर रहा हूँ। तो इसमें सरकार का एक ये भी उद्देश्य है कि जनसंख्या घटेगी, जैसे 18 साल में शादी हो जाती थी 21 में होगी तो कुछ तो घटेगा जनसंख्या। देखिए, एक वर्ग की घटेगी और दूसरे वर्ग की एकदम बढ़ती ही जाएगी। सभी पे लागू होगा ना ये? तो लागू नहीं ना होगा। पहले जनसंख्या नीति बनाइए, हम दो, हमारे दो, एक दो पति दो संतान तभी बचेगा हिंदुस्तान, यह नारा एकदम लगा दीजिए चाप के, एक दंपति दो संतान तभी बचेगा हिंदुस्तान, यह नारा सब पर लागू होना चाहिए। ये नहीं कि समाज पर छोड़ दीजिए, उनके लिए भी लागू हो, इनके लिए भी लागू हो, सबके लिए लागू होनी चाहिए। हाँ, नहीं तो हिट विकेट हो जाएगा भारत समाज के लिए, आत्मघाती बम हो जाएगा। ये भी जनसंख्या भी नियंत्रित होगी, ये जो कानून आ रहा है। जी बिल्कुल, क्योंकि बच्चों जब उनकी मैच्योरिटी की उम्र बढ़ाई जाएगी तो उनके में समझ ज़्यादा आएगी, तो उनको पता होगा कि हमारे लिए क्या सही है, हमारे लिए क्या गलत है ना। तो फिर ये मतलब कि सरकार का बहुत अच्छा डिसीजन है जो ये मैच्योरिटी की उम्र बढ़ा रही है, और लोगों को इस बात को अब समझना होगा, सबको मानना होगा, समाज को भी, अपने आप को, समाज में ये चीज़ें आनी, मतलब कि लोगों को ये समझना पड़ेगा कि मैच्योरिटी की उम्र को बढ़ाना लड़कियों के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि वो आर्थिक रूप से संपन्न होंगी, अपने पैर पे खड़ी होंगी और अपना भला बुरा ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ पाएंगी, और जनसंख्या तो कंट्रोल होगी, काफ़ी कंट्रोल होगी इससे, और ये बहुत अच्छा डिसीजन है सरकार का। नहीं, जैसे पहली चीज़ ये है ना कि लड़कियों को बोझ समझना पहले समाज छोड़े। आज भी हम लोग चांद पे चले गए, पता नहीं कौन कौन से परमाणु परीक्षण हुए, सब हुए, लेकिन किसी के यहाँ लड़की आज भी पैदा होती है तो पहले जैसे वहाँ मातम हो जाता है कि बहुत बड़ा दुख हो गया,
ये नहीं जानते कि जो सृष्टि का ही जो दो रूप होता है शिव और शक्ति, जब दोनों एक दूसरे के बगैर अधूरा है, तो पहले आप वो अपने लड़कियों को बोझ मत समझिए, उनको पहले शिक्षित करेंगे तो वो आप पहले आगे जाके खुद ही क्या अच्छा है क्या गलत वो करेंगे, ठीक है ना। हाँ आइए कुछ और लड़कियाँ हमारे साथ है। ये बताइए सरकार ने अभी, हाँ अभी दो मिनट जी, अभी सरकार ने एक नियम बनाने जा रही है कि जो लड़कियों की शादी की एज है 18 से बढ़ा के 21 कर दी जाएगी, क्या कहना उस पर? मेरा तो ये कहना है कि ये बहुत अच्छा नियम है, बिकॉज अब लड़कियाँ डेवलप कर पाएंगी, अपने सपनों को पूरा कर पाएंगी, जो उनका ड्रीम है वो सब, मतलब कि उनका अगर कोई लड़कियों का खेलने में मन है तो खेल में भी आगे बढ़ सकती हैं, सिविल सर्विस वाले भी आगे बढ़ सकते। 21 साल तक ये पॉसिबल नहीं, 18 साल तक ये पॉसिबल नहीं कि कोई लड़की सिविल सर्विस में जाए या ये सक्सेस हो पाए। तो मुझे इन ये सब बातें बहुत अच्छी लगी पीएम की, बस मैं इतना ही करना चाहूँगी। हम तो यही कहेंगे कि सरकार ने ये बहुत अच्छा सोचा है हम लोगों के लिए, और ये इससे हम लोग अपने आप को डेवलप कर पाएंगे। हम लोग अगर कुछ करना चाहेंगे तो फ्यूचर 18 तक आने में हम लोगों का 12th ही पास होता है, ग्रेजुएशन वगैरह उसके बाद हम लोग कुछ चाहेंगे बनना तो वो सब नहीं हो पाता है हम लोग से। इससे हम लोग अपना सपना भी पूरा कर सकते हैं, हम लोग एक कामयाबी भी हासिल कर सकते हैं अपनी। आप बताइए सर, सरकार जो अभी एक निर्णय ले ली है कि लड़कियों की शादी की उम्र 18 से बढ़ा के 21 कर दी जा रही है, उस पर आपका क्या? ये बहुत ही उत्तम निर्णय है, ये बहुत ही उत्तम निर्णय है। पहले अपने यहाँ बाल विवाह इसलिए होता था कि बहुत से आक्रांताओं का यहाँ पे वर्चस्व था, और उनके डर से अपनी बच्चियों को पहले हम लोग शादी कर देते थे कि वो अपने घर चली जाए और गृहस्थ हो जाए, तो इससे हम बच जाएंगे, कोई मेरी बेटी को उठा के ले गया, कोई बहन को उठा के ले गया। इस सरकार का 100% स्वागत योग्य कदम है। 21 वर्ष तक यदि बेटी की शादी नहीं होगी तो 21 वर्ष तक हमारी बेटियाँ मेरी बहनें पढ़ेंगी और वो जीवन में आगे बढ़ने के लिए अपने आप को डिटरमाइंड करेंगी। तो सरकार के इस कदम का मैं तहे दिल से, संपूर्ण हृदय तल से स्वागत करता हूँ। आप बोल रहे हैं कि पहले बाल विवाह होता था लेकिन 18 साल में तो बाल नहीं रहती हैं, मतलब वोट देने का अधिकार मिल जाता है, रजिस्ट्रेशन वगैरह सब। अब सर इसको ऐसे समझिए, बहुत से लोग इंतजार करते हैं कि कब 18 वर्ष और अपनी बेटी से हम मुक्ति पाएं, मतलब इसको यथाशक्ति अपने घर में भेज दें। आज देखिए मेरी बेटी, इधर आओ, ये मेरी बेटी है। काशी में मैं किसी तरह कमाता खाता हूँ, लेकिन नाउ शी इज गोइंग टू बिकम एन ग्रेजुएट, वो BHU में पढ़ती है और ग्रेजुएट बनने जा रही है। ये मेरी दूसरी बेटी है, ये 8 में पढ़ती है, और ये मेरा बेटा है, ये 5 में पढ़ता है। और आपको ये बता दें कि इससे ज़्यादा स्कूल का फीस हम इनका भरते हैं। 18 साल तक ठीक है, 18 साल के बच्चे प्रधानमंत्री चुनने की काबिलियत रखते हैं, लेकिन 21 साल तक हो जाने से 3 वर्ष इन लोगों को और उस जगह पे मिलेगा जहाँ के लोग बेटियों से जल्द मुक्ति पाना चाहते, जैसे गाँव देहात में बेटी 18 साल की होगी ब्याह कर दीजिए। अब क्या है कि नहीं, 21 साल तक बेटी को हमको देख रेख करना है, पढ़ाना है, उच्च शिक्षा के यदि प्रेरित होगी तो 21 साल में जाकर के वो खुद भी कहे कि नहीं अभी मैं पढ़ूंगी। अच्छा एक बार भी अभी कह रहा है जो वामपंथी समाज है वो बोल रहा है कि भाई सरकार क्यों इंटरफेयर करेगी, कब शादी करे कब नहीं करे, ऐसा तो कल बोलेगी कि ये खाओ वो नहीं खाओ। जो वामपंथ है तो वही ना बोलेगा, जो वामपंथी है तो वही ना बोलेगा, वो तो कहता है कि आप चंदन क्यों लगाते हैं, आप सिखा क्यों धारण करते हैं, तो क्या करें हम छोड़ दें, आप रामायण क्यों पढ़ते हैं, महाभारत क्यों पढ़ते हैं, वेद क्यों पढ़ते हैं, हम तो छोड़ेंगे नहीं, जो उनका काम है वो करें, जो मेरा काम है हम करेंगे। इंटरफेरेंस नहीं मानते हैं? नहीं, इंटरफेरेंस का, सरकार तो हमको जीने का अधिकार देती है। अब सरकार करिए कि बाएं चलिए तो लोग कहेंगे कि सरकार क्यों कर रही है बाएं चलिए, हम दाहिने चलेंगे, अरे क्यों चलेंगे भाई, हमारी व्यवस्था करिए कि नहीं आप बाएं चलिए तो सुरक्षित रहेंगे, तो हमको बाएं चलना होगा। हमको सरकार करे कि नहीं आप में यदि मेधा है तो आप UPSC जाइए, तो लोग कहेंगे कि भाई UPSC जाने कहाँ जाएंगे, हम ऐसे क्लर्क किरानी बनेंगे, ये कौन मतलब हुआ भाई। ये कदम सरकार का सर, मतलब हम संपूर्ण परिवार तहे दिल से इस कदम का स्वागत करते हैं। आप बताइए मैडम, ये जो शादी की एज बढ़ा दी गई है 18 से 21 कर दी गई है लड़कियों के लिए, कैसे देखती हैं आप उसको? नमस्कार, मैं राष्ट्रीय सेवा समिति से हूँ और कंचन मिश्रा नाम है, मैं इसको अच्छे नज़रिए से देखती हूँ। ये एज बढ़ाना एक लड़कियों के पक्ष में है, इससे क्या है कि लड़कियाँ शारीरिक और मानसिक तौर पे मजबूत होंगी, और एक जो एक जनरेशन गैप आ रहा था बहुत ज़्यादा वो लिमिटेड रहेगा आपका,
ये बहुत सराहनीय कदम है सरकार का। कुछ लोग यह भी करें कि सरकार क्यों डिसाइड कर रही है, निर्धारित कर रही है कि सरकार के बीच में आ रही है, ये बात हो रही है। हाँ, क्या कह रहे हैं सर? सरकार को डिसाइड करे कब शादी करे कब नहीं। क्यों नहीं सरकार डिसाइड करेगी? सर बिल्कुल करेगी, जहाँ पे गलत होगा उसको तो करेगी ना। 18 भी तो सरकार ही की थी ना, तो 21 करने का भी तो हक उसी को है, वो कुछ देख के समझ के ही तो कर रही है। समाजवादी पार्टी के नेता हैं शफीकुर रहमान बर्क, बोल रहे हैं लड़कियों में आवारगी बढ़ेगी, शादी कर देते थे। वो तो बहुत कुछ बोलते हैं, बोलने वाले तो बहुत कुछ बोलेंगे। आवारगी आप घर में कंट्रोल करिए ना, पहले अपने घर को देखिए फिर दूसरों को बोलिएगा। हम लोग सुन रहे हैं और लोग जानते हैं, आप लोग बताइए सर, बोलेंगे आप लोग क्या कहेंगे जो लड़कियों की शादी की एज बढ़ा के 18 से 21 कर दी गई है? देखिए, शादी के लिए कानूनी रूप से समय सीमा था, लड़कियों के लिए 18 वर्ष, लड़कों के लिए 21 वर्ष, लेकिन अब लड़कियों का वयस्कता की आयु 18 वर्ष से बढ़ा करके 21 वर्ष कर दी गई है। अब उनको 3 वर्ष का और मौका मिल जाता है अपने विषय में सोचने समझने का और सही निर्णय लेने का। तो 18 वर्ष में तो लड़कियां किसी तरह से बालिग होती हैं, लेकिन 3 वर्ष और बढ़ गया तो उनके फायदे के लिए अच्छा है। ठीक है, सरकार इंटरफेयर कर रही है। सरकार तो सारे नियम बनाती ही है, अगर सरकार विधानसभा में लोकसभा में अगर ये स्पष्ट हुआ तो जनता के हित के लिए ही है, हित के खिलाफ तो होगा नहीं, तो सरकार तो ये नियम बना सकती है। 21 हो गया, बढ़ गया 3 साल और बढ़ गया, तो ये मतलब पर्याप्त है कि और बढ़ाया जाना चाहिए? अब और आगे बढ़ाया जाए या न बढ़ाया जाए, इसके लिए इतना जल्दी कोई निर्णय ले पाना ठीक नहीं है। लगभग 3 साल बढ़ा है, तो अब कुछ दिनों तक, 3 साल कम नहीं है समय सीमा, कुछ दिनों तक चले, उसके बाद अगर आवश्यकता पड़ेगी तो सरकार भी उस पर खुद विचार करेगी। हाँ, मैं उत्तर प्रदेश भाई कॉर्पोरेट से वंश नारायण महिला महाविद्यालय से असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी से, मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये 3 साल का बढ़ने का बहुत ही अच्छा निर्णय है, क्योंकि जो महिलाएं हैं या जो लड़कियां हैं वो इंटर तक होते होते या बीए जाते जाते उनके 18 साल हो जाती थी और गार्जियन लोग उनकी शादी करा देते थे। इस कंडीशन में कोई भी गारंटी नहीं रहती थी कि उनके जो ससुराल वाले हैं या घर वाले हैं उनको आगे की पढ़ाई करा सके, मगर अभी वो अपने नैहर रहेंगी, अपने घर रहेंगी और 21 साल का पाबंद रहेगा, तो ज़रूरी से वो अपना जो एजुकेशन है वो कम से कम ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन तक कर सकती हैं, उनके पास पर्याप्त समय रहेगा कि वो तैयारी कर सकती हैं और अदर फील्ड में भी वो अपना सहयोग प्रदान कर सकती हैं, और जिससे कि वो आगे बढ़ सके और उनको मोटिवेशन मिल सके परिवार, क्योंकि देखिए शादी के बाद क्या होता है, उनको पारिवारिक इतना बंधन जोड़ दिया जाता है कि उनको पूरी तरह से वो बंद हो जाती हैं और पूरी तरह से उनके पढ़ाई शिक्षा एजुकेशन सारा का सारा वो ठप हो जाता है और वो नहीं कुछ कर पाती हैं। लड़कियों की शादी की जो 18 से बढ़ा के 21 कर दी गई है, इसमें क्या कहना है? नहीं भाई साहब, ये तो निर्णय बहुत अच्छा है, क्योंकि लड़कियाँ आत्मनिर्भर बने, इसके लिए एक बड़ा अभिनव प्रयोग है ये तो, और इसको मुझे लग रहा है कि उस पर जो लोग उसके विपरीत में पक्ष रख रहे हैं वो निराधार है, बेबुनियाद है, तो ऐसी बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। जब प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हमको हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की आवश्यकता है, तो ये एक अवसर है भाई, वो ज़्यादा शिक्षा ग्रहण करेंगी, ये एक बड़ा अच्छा माध्यम हो सकता है। बोल रहे हैं कि सरकार इंटरफेयर कर रही है कि लड़की जो है मतलब परिवार को डिसाइड करने दे कि 20 में करना है कि 22 में करना है। नहीं नहीं, देखिए क्या है कि अभी किसी ने कहा कि 18 वर्ष की आयु में जब हम प्रधानमंत्री चुन सकते हैं तो अपना जीवन साथी भी चुन सकते हैं, ये बातें ठीक हैं, एक हद तक तो ठीक हैं कि हम चुन सकते हैं, लेकिन जो ये प्रयोग है वो इसलिए क्योंकि लड़कियां आत्मनिर्भर बने, उसके लिए एक अच्छा अवसर ये है, उसको भी उस दृष्टि से देखना चाहिए। और अगर वो राजनीतिक बयानबाजी होती है, राजनीतिक टिप्पणियाँ होती हैं, तो मैं उस सब चीज़ों में बहुत रुचि नहीं लेता, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि एक अच्छा अवसर हो सकता है उन लड़कियों के लिए जिनके लिए जिनको ये 21 वर्ष किया गया है शादी की आयु। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग जुड़े रहिए, देखते रहिए प्यारा भारत, धन्यवाद।